lofted high in the air, and Pritpal Singh Bharaj claims the wicket of Raghav Tibrewala. Raghav Tibrewala wanted to go over the top but mistimed it. It was high in the air but couldn't cover the distance, and Anurag Bhimrajka taking that catch. Inside out, high in the air, and will this be taken? Yes, I think Jai Kedia, in the process of playing a big shot, gives an easy catch. Change of pace, slightly uppish, and Jai Kedia wanted to go past the long off but gets the height, not the distance. Aur bold kar diya, Pritpal ko milti hui ek aur safalta, aur Daksh Agarwal ek बहुत ही उम्दा पारी खेलकर वापस लौटे। चार चौके लाइक चौके लगाए, और सबसे बड़ी बात है कि राइडर्स को जब रनों की जरूरत थी, इस बार थोड़ा ऊपर से खेला है। क्या ये डॉट शॉट होगा या कैच होगा? और आखिरकार कैच आउट होकर वापस लौटते हुए बैट्समैन स्मिचा, दो बॉल दो रन, और ये कैच को अंजाम दिया वहां पर स्वयं विकास लिंगा कैच लेते हुए। दूधिया रोशनी में आते हुए गेंद को साइड करना बहुत मुश्किल काम है, और यहां पर यह क्लीन बोल्ड, और प्रितपाल सिंह भरज टूर्नामेंट के इतिहास में 5 साल में पहले गेंदबाज जिसने 5वां विकेट लिया। जी हां, यह बॉल तो बनता है प्रितपाल के लिए। पीले रंग की धूप मानो अचानक चमक रही थी आसमान में, और बादल आ गए प्रितपाल सिंह भरज नाम के, और गरज पड़े, बरस पड़े, और अब प्रितपाल हैट्रिक पर है, और ये छठा विकेट और हैट्रिक, क्या बात है। आज का दिन बहुत बड़ा है। निपटाकर बॉल पर प्रितपाल सिंह भरज, पाल सिंह भरज, अब इससे ज्यादा आप किसी बॉलर से क्या उम्मीद करेंगे। बल्लेबाजों के गेम में गेंदबाजों की भूमिका ये, जी हां, ये 7वां विकेट प्रितपाल सिंह भरज को मिलता हुआ। ये ओवर में 5 विकेटें गिरी है, लगातार 4 बॉल में 4 विकेट, यानी कि डबल हैट्रिक करते हुए प्रितपाल सिंह भरज, हैट्रिक, डबल हैट्रिक, सबसे ज्यादा एक पारी में विकेट, 5 विकेट एक इनिंग में।